हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। वेल स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बारे में। क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों के बीच में। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, क्यों एडवर्टाइजिंग पर्सनल सेलिंग से डिफरेंट होती है, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज के टॉपिक में एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग का डिफरेंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके डिफरेंस से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग होता क्या है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये हुआ कि जब हमें अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो कस्टमर्स को उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम कुछ मीडियाज़ के थ्रू बताते हैं, राइट। वो तो हुआ, हमने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया। लेकिन जब हम अपने प्रोडक्ट के लिए पर्सनल सेलिंग करते हैं तो डायरेक्टली कंज्यूमर या कस्टमर हमारे सामने होता है और हम सेलर प्रोडक्ट को क्या करता है, सेल करता है। सामने आमने सामने उनको दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है और कम्युनिकेशन जो रहती है वो डायरेक्ट रहती है। ओके, एडवर्टाइजिंग में डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं रहती, उसमें सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज कर रहे हो, उस टाइम पर आपको रिसेंटली फीडबैक भी नहीं मिल पाता, तो वो सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, ये किस तरह की फॉर्म है। एडवर्टाइजिंग एक इंटरपर्सनल फॉर्म है कम्युनिकेशन की, यानी किसी के लिए भी पर्सनल नहीं है। एडवर्टाइजमेंट सब देखते हैं, ऐसा तो नहीं है किसी एक पर्सनल पर्टिकुलर पर्सन को सेंड आउट की जा रही है एडवर्टाइजिंग। नो, एडवर्टाइज अगर किसी प्रोडक्ट के लिए हो रहा है तो उसको सभी देखेंगे, कोई पर्सनली नहीं। ओके, अगर बात की जाए पर्सनल सेलिंग की तो ये एक पर्सनल फॉर्म होती है जिसमें आप प्रोडक्ट को पर्सनली जाकर क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। ओके, एडवर्टाइजमेंट में आप इंटरपर्सनल फॉर्म पे जा रहे हो और आपका जो पर्सनल सेलिंग है उसमें आप पर्सनली अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, क्योंकि पर्सनली का मतलब आप किसी एक पर्सन से बात कर रहे हो, उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, उसको सारी क्वालिटीज अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो। लेकिन वहीं अगर आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो एडवर्टाइजमेंट में ऐसा तो नहीं है ना किसी आपने सिर्फ एक पर्सन को अपना टारगेट बनाया और उस एक पर्सन को आप बता रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट की क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से आप इसको आगे परचेज कर सकते हैं और क्या इसमें ऐड ऑन है, वो सारी क्वालिटीज़ आप सिर्फ एक पर्सन को नहीं बता रहे हो, पर्सनली किसी एक पर्सन के बारे को आप नहीं बता रहे हो। इसीलिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक इंटरपर्सनल फॉर्म है और जो पर्सनल सेलिंग है वो एक पर्सनल फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट आती है बात हमारे सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट है रीच, ये कहाँ तक पहुँच सकता है। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो उसका लेवल रहता है मास लेवल तक पहुँच सकता है, यानी एडवर्टाइजमेंट तो हर जगह हो रही है, सबके पास पहुँच जाएगी, जो भी न्यूज़ होगी जो भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो सबके पास खुद ही पहुँच जाती है। लेकिन पर्सनल सेलिंग क्या होती है, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मेम्बर्स होते हैं। पर्सनल सेलिंग में हम बहुत सारे लोगों तक अपनी बात नहीं पहुँचाते, हमारे पास जो लोग हमारे सामने हैं जिन्हें हमें प्रोडक्ट को सेल करना है तो उन्हीं को ही वो बात पता चलती है, उन्हीं को ही एडवर्टाइजमेंट सारी, उन्हीं को ही हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी क्वालिटी सब कुछ पता चलता है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट वर्क्स ऑन अ मास लेवल, ये एज अ होल वर्क करती है एडवर्टाइजमेंट, ये सबको बता देती है प्रोडक्ट के बारे में। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो मास लेवल तक जा सकती है और जो पर्सनल सेलिंग होती है वो लिमिटेड नंबर्स तक ही सीमित रहती है, यानी लिमिटेड मेंबर्स ही पर्सनल सेलिंग तक जा सकते हैं। नेक्स्टली अगर बात की जाए इसकी कॉस्ट की, एडवर्टाइजिंग में हमारी पर पर्सन कॉस्ट जो रहती है वो लेस रहती है, क्योंकि किसी एक पर्सन पर तो आप अकेले पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसको पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो उन सब लोगों तक उस एडवर्टाइजमेंट को पहुँचाने में जो खर्चा रहता है वो एज पर पर्सनल सेलिंग बहुत कम रहता है। पर्सनल सेलिंग में आप किसी कस्टमर्स को बिठाएंगे भी, उसको चाय नाश्ते के लिए भी पूछेंगे, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, आप उसको अट्रैक्ट भी करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे भी, तो उसमें कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा रहती है पर पर्सन कॉस्ट की अगर बात करें। ओके, तो एडवर्टाइजमेंट की पर पर्सन कॉस्ट कम होती है रैदर देन की पर्सनल सेलिंग की पर पर्सन कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, अब बात करते हैं कवरेज की, ये किस तरह से कवर करता है। इट कवर्स मार्केट इन अ शॉर्ट टर्म, एडवर्टाइजिंग जो होती है वो मार्केट को बहुत कम समय में कवर कर लेती है। अब बहुत बड़ी मार्केट है, अब हर पूरी मार्केट में पर्सनली जाकर हर एक पर्सन को अपने प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, बताएंगे भी तो बहुत जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। तो बात यहाँ पर आ रही है कि अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो बहुत कम समय में बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाती है न्यूज़ हमारे प्रोडक्ट के बारे में, तो ये कम समय लेती है और ये ज़्यादा समय लेता है रैदर देन एडवर्टाइजिंग। ओके, एडवर्टाइजिंग में समय कम लगता है, टाइम कम लगता है, और पर्सनल सेलिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है यूजेज ऑफ मास मीडिया।
इसमें किस तरह के मास मीडिया का यूज़ किया जाता है? एडवर्टाइजिंग में मास मीडिया यूज़ होता है ना, राइट? एडवर्टाइजिंग में मास मीडिया यूज़ होता है। किस तरीके के मास मीडियाज़ का आप यूज़ कर सकते हैं? टेलीविज़न से आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, आप रेडियो से दे सकते हैं, आप न्यूज़पेपर से दे सकते हैं। तो डिपेंड कि आप एडवर्टाइजिंग दे किस लिए रहे हैं, और अगर आप एडवर्टाइजिंग दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं, तो उसमें आप मीडिया का यूज़ भी करेंगे, ओके? लेकिन पर्सनल सेलिंग में मास मीडिया का कोई यूज़ नहीं होता। पर्सनल सेलिंग में तो आप टीवी पे नहीं जाएंगे ना बात करने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए मास मीडिया की ज़रूरत होती है, लेकिन पर्सनल सेलिंग के लिए मास मीडिया का कोई यूज़ नहीं होता। पर्सनल सेलिंग में ना ही तो आप रेडियो से कोई बातचीत कर रहे हैं, ना टीवी से, और ना ही न्यूज़पेपर के थ्रू आप कोई बात कर रहे हैं। तो पर्सनली आप किसी पर्सन से अगर बात करेंगे तो उसमें मास मीडिया का कोई नीड नहीं होगी। नेक्स्टली अगर बात की जाए तो नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक। फीडबैक का क्या मतलब हुआ? नो डायरेक्ट फीडबैक। अब एडवर्टाइजमेंट आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं, अब कस्टमर्स तक तो आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंच गया, लेकिन कस्टमर्स के माइंड में क्या है, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या सोच रहे हैं, वो आगे इसको परचेस करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट को अच्छा समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, डिपेंड करता है उन लोगों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कोई फीडबैक सामने से आपको नहीं दिया। आपने तो उन लोगों को बता दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो लोग कैसे बताएंगे, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट किया है। तो एडवर्टाइजमेंट में डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिल पाता है, पर्सनल सेलिंग में आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है। जब आप पर्सनली जाकर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो उसमें आपको डायरेक्टली पता चल जाता है। सामने से आप पर्सन को कोई भी बात बताओगे, उसको सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करोगे, प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दोगे, तो वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई फीडबैक ज़रूर देगा, ओके? तो इसमें तो होता है डायरेक्ट फीडबैक, और इसमें डायरेक्ट फीडबैक नहीं होता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है यूज़फुल। तो ये किस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए यूज़फुल है? ये स्टैंडर्डाइज्ड और यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी है। एडवर्टाइजमेंट आपके लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है, एक अच्छा स्टैंडर्ड रखता है, तो उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट देंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा, राइट? लोग न्यूज़ देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है, लेकिन पर्सनल सेलिंग इंडस्ट्रियल और कस्टमराइज प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी होती है। जो इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, जो कस्टमराइज प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए पर्सनल सेलिंग यूज़फुल है, और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजिंग यूज़फुल है, ओके? तो ये जो हमारे पॉइंट्स थे, इनमें हमने डिस्कस किया है एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के डिफरेंसेस के बारे में। इस टॉपिक में आपको कोई क्वेरी हो या कुछ भी ऐसा हो कि आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एक बार और इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं। एडवर्टाइजिंग एक ऐसी फॉर्म है जो इंटरपर्सनल फॉर्म है, यानी पर्सनली किसी एक पर्सन को मैसेज नहीं दिया जा रहा है। पर्सनल सेलिंग में आप पर्सनली किसी भी एक पर्सन तक अपना मैसेज पहुंचा रहे हैं। रीच ये कहां तक पहुंच सकती है? ये एज अ होल वर्क करती है एडवर्टाइजिंग। और पर्सनल सेलिंग में आप कुछ सिर्फ कुछ नंबर्स तक ही, कुछ लिमिटेड मेंबर्स तक ही अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पोस्ट इसकी जो रहती है एडवर्टाइजिंग की, वो पर पर्सन कम रहती है रेदर देन पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में कॉस्ट जो रहती है पर पर्सन, वो ज़्यादा रहती है। ये कवर करती है बहुत कम समय में बहुत बड़ी मार्केट को एडवर्टाइजिंग, लेकिन पर्सनल सेलिंग को समय लगता है। पर्सनल सेलिंग में आपको वक्त लगता है कि आप अपनी मार्केट तक पहुँच पाएँ, ओके? इसका जो मीडिया रहता है, ये मास मीडिया का यूज़ करती है एडवर्टाइजिंग, जिसमें रेडियो, टीवी और न्यूज़पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल सेलिंग में कोई यूज़ मास मीडिया का नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात की जाए फीडबैक की, तो पर्सनल सेलिंग में आपको डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता, लेकिन एडवर्टाइजिंग में आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है। ये यूज़फुल होती है स्टैंडर्डाइज और यूज़फुल प्रोडक्ट्स के लिए एडवर्टाइजिंग, और जो आपकी पर्सनल सेलिंग होती है वो इंडस्ट्रियल और कस्टमराइज प्रोडक्ट्स के लिए यूज़फुल होती है, ओके? तो इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ भी ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कल मिलते हैं आपके एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको बताया जाएगा आगे के टॉपिक्स के बारे में। अगर आपका नेक्स्ट लेसन स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आगे उसके बारे में बताया जाएगा, तो बी रेडी फॉर दैट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, इसका मीनिंग हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक में। तब तक के लिए शुक्रिया।